तो मॉर्निंग के अभी 7:30 बजे हैं और काफ़ी टाइम है फिर व्लॉग शूट करी, तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है व्लॉग शूट करने का। और मतलब पता नहीं सडनली मन बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल मन ही उब जाता है इस चीज़ से, तो ये है। पर चलो शुरू कर रही हूँ व्लॉग आज, देखते क्योंकि मैं 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा सुबह शूट करती हूँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और उसके बाद दिन में भूल जाती हूँ कि व्लॉग भी शूट करना था। तो ये है, बाकी आज देखते क्या रहता है। अभी टाइम 7:30 का हो रखा है और मेरे साथ एक लोल हो चुका है कि मैंने अभी हान की वर्दी रात में नहीं सुखाई थी, धोने के लिए रखते थे उसका बैग और उसकी वर्दी, और भूल गई थी कि सुखाना भी है। तो वो अभी जो है अभी डाली मैं सुखाने के लिए, देखते सूखता है नहीं सूखता। और फिलहाल तो बच्चे खेल रहे हैं, और उससे पहले जो है मैं झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ क्योंकि आज पड़ोस में कुछ है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो मैं फटाफट से एक बार झाड़ू मार के फारिक हो जाती हूँ, और उसके बाद फिर विहान को तैयार करूँगी क्योंकि अभी 7:30 पूरे 1 घंटा भी मेरे पास है विहान को तैयार करने के लिए, उसका ब्रेकफास्ट के लिए। तो फटाफट से पहले काम कर लेते हैं। तो फिलहाल विहान को तैयार करके ले आई हूँ, और सिर्फ मैंने 25 से 20 मिनट के अंदर मैंने जो है विहान को तैयार भी कर दिया और उसका लंच भी पैक कर दिया। तो उसकी वर्दी जो है वो गिली थी तो सूखने के लिए रखी थी, इसकी वजह से टाइम लग गया था। और उतने देर में मैं शॉप पे आई, झाड़ू वगैरह मारा, फिर नीचे गई, फिर लंच वगैरह बनाया, ब्रेकफास्ट किया और उसे तैयार भी किया। और इनफैक्ट अभी भी 10 मिनट है, तो कभी कभी मुझे लगता है वो बहुत फास्ट काम करती है। जब मुझे मतलब मेरे पे आती है ना कि हाँ मुझे फटाफट करना है तब तो मैं कर लेती हूँ, अगर मुझे पता है कि मुझे आराम से करना है तो फिर मैं एक जो 5 मिनट का काम है उसको पूरा 1 घंटा लगा करती हूँ। तो ऐसा भी है, बाकी बाकी देखते हैं क्या रहता है। अभी दीपक के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, दीपक ने जाना होगा तो विहान को छोड़ूंगी और उसके फिर चलूंगी नीचे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हे एवरीवन, तो अभी टाइम हो चला है 11 बजे का, मतलब 11:30 का हो गया, और साफ सफाई कर ली सब कुछ के लिए। विवान को भी नहला दिया आज, विवान को हाईनेक पहनाया क्योंकि अब ना सर्दियाँ हो गई, तो अभी तो दिन में गर्मी है बट शाम में ठंड होती है। तो वैसे भी हमने अंदर रहना है क्योंकि शॉप पे तो पापा है और दीपक चले गए, मम्मी गए क्रियाक्रम में। तो ये बाकी अब मुँह हाथ तो धो के आ गई हूँ, थोड़ा बहुत जो है बिंदी वगैरह लगा लेते हैं और कॉम कर लेते हैं, बाल वगैरह बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद मिलेंगे। बाकी पीछे जो टीवी वाला स्टैंड है वो निकल गया और ऊपर जो लाइट वाला है वो टेढ़ा हो गया, तो सब कुछ उल्टा उल्टा होता है यहाँ पे। बाकी मिलते हैं थोड़ा बहुत जो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं आजकल जो है घर जब मैं घर में होती हूँ तो मैं यूजुअली कैसे तैयार होती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो नॉर्मल डेज में मैं नॉर्मल क्या मतलब पी ओ पी जाती हूँ तो भी मैं ऐसे तैयार होती हूँ, क्योंकि घर में होता है ना मन करता है। तो सबसे पहले तो मैंने फेस वॉश करने के बाद जो है वो कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेना है आपको, और मैं यूज़ करी हूँ हिमालय का क्रीम। और इसके अलावा अभी तक तो मैं फ्रूट्स क्रीम यूज़ करी थी बट अभी जो मेरे पास है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये है, बाकी सबने पूछा था, एक कमेंट था कि पिगमेंटेशन के बारे में, और उन्होंने शायद मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था, पर फिर भी वो पूछ रहे बार बार, तो बता देती हूँ पिगमेंटेशन के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। एक क्रीम था जो मैंने यूज़ किया था, उसके बाद थोड़ा सा लाइट वेट मतलब लाइट लगा हो गया था, और जब मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया तो अगेन डार्क हो गया था। तो ये था, बाकी इसका सनस्क्रीन है ये लैक्मे का, और ये जो ये मॉइस्चराइजर वाला क्रीम है, दोनों को थोड़ा थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी में लेके मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, एंड देन आपको परफ्यूम है भाई मत कर, तो इसको लगा लेना इस तरीके से। मैं सब बैठी तो हूँ, बताई देती हूँ व्लॉग शूट तो करना ही है, क्या करूँ मक्खी मारने वाला नहीं है यार, परफ्यूम को मक्खी मारने वाला बना दिया स्पाइस हमने। तो ये क्रीम जो है वो आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और मैं खैर मैं कहीं भी जाती हूँ खैर मैं ऑयली क्रीम और सनस्क्रीन तो लगाती हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी धूप से एलर्जी है। तो ये बाकी ये लगा लिया मैंने क्रीम, और उसके बाद जो है ठीक है सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, और मतलब कि ड्राई भी नहीं होता और अच्छे से जाता है। और सबसे बड़ी बात है उसके उससे पहले मैं करती हूँ सबसे पहले काम बिंदी का, क्योंकि बिंदी के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं होता है, बिंदी तो मुझे चाहिए चाहिए होती है सबको पता ही है। तो बिंदी, और बिंदी के साथ भी इंसान अच्छा ही लगता है ना। ये हो गया, फिर उसके बाद हो गया आजकल मैंने थ्रेडिंग किया हुआ है, तो मैं जो आईब्रो मतलब पेंसिल के यूज़ करती हूँ, जिसका ब्रश यूज़ करती हूँ बस सिर्फ सेट करने के लिए, बाकी मैं इसका कुछ यूज़ नहीं करती सिर्फ। हाँ जब मैं पियो जा रही हूँ तब मैं शायद मे भी यूज़ कर लूँ, बाकी नहीं करती हूँ, हाँ आपके लिए नहीं था वो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, और ये है ब्राउन शेड में, तो भाई साहब फ़ोन हिला रहे, तो लिपस्टिक है ब्राउन शेड में, और ये है ब्लू हेवन का ये लिपस्टिक। और मेरे पास आजकल ना लिपस्टिक बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिपस्टिक है, ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तो ये कुछ इतने लिपस्टिक है अभी मेरे पास, बट मैं यूज़ ब्राउन ही करती हूँ। और इसके अलावा जो है अभी मैंने माई ग्लैम से लिपस्टिक मंगाया,
तो अभी वो भी आने वाले हैं कुछ दिन में। बाकी ये और थोड़ा थोड़ा सा घर पे ज़्यादा तो नहीं लगाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता घर में, कहीं बहुत ना घर वाले सोचेंगे क्या बंठन की बैठी हुई है। तो बस ये मतलब एक दिन ये लगा ली और सनस्क्रीन लगा लिया और लिपस्टिक लगा ली, तो यही है। बाकी अगर आप अगर कभी कभार मन कर जाता ना कि मेकअप करने का, तो मेरे हाइलाइटर का ये टूट गया ऐसे बंद करने वाला डिब्बा, तो कभी कभार हाईलाइट करने के लिए जो है मैं अपने नाक पे बस थोड़ा सा हाइलाइटर का यूज़ करती हूँ, बाकी इसके अलावा नहीं, बस इतना सा। बाकी ये काम नहीं करती, सिर्फ सूखा हुआ भी कुछ नहीं है इसमें, ये नहीं लगाती क्योंकि फिर मेरा फेस लाल हो जाता है। बस ऐसे ही शौक के तौर पर मंगा देती हूँ। और इसके अलावा मुझे अगर यूज़ करना हो तो मेरे पास एक डब्बा है इसमें, जिसमें मैंने सारी चीज़ें रखी है। क्या लड़की हो आप लिपस्टिक लगाने के लिए? खोलो बोले मुझे लिपस्टिक लगाने, लो चलो अच्छे। तो ये बाकी थोड़ा सा मस्कारा जो हो गया, अगर मन हो तो, अगर ना हो तो नहीं। बाकी प्यूज आइटम तो मैं बिना मस्कारे के तो नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, काजल यूज़ नहीं करती हूँ बट हाँ मस्कारा ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा सा जो है घर में साइड साइड से लगाती हूँ, आगे को नहीं लगाती हूँ, बस इतना इतना सा हल्का हल्का सा, हल्का तो नहीं हो गया, हल्का हल्का बोलते बोलते बहुत हो गया। तो ये है, बाकी बस इतनी सी चीज़ें करनी होती है। और उसके बाद जो है बात आती है मेरे बालों की, तो मेरे बाल जो है मैंने स्मूदनिंग किया, आप सबको पता है, और उसके बाद मैंने ना बाल कट कर दिए, मैंने काट कर दिया जो याद से दिख सकते मैंने अपने बाल काट दिए, तो मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, मतलब यहाँ से काटे मैंने सिर्फ आगे के बाल काटे, और लेंथ जो है वो तो है मेरी बट जो मैंने कांड किया था वो ये इतने में किया था, तो मेरे पूरे बाल का सत्यानाश हो रखा है फिलहाल। तो क्योंकि मैंने जो है ना मतलब ऐसा सोचा था कि स्टेप कटिंग जैसे करूँगी बट हो नहीं पाया, उसके बदले में कुछ और ही हो गया स्टेप कटिंग की जगह पे। तो ये है बस, और कंघी करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत बाल समेट लेती हूँ। और मैं आपको विवान भी दिखाऊंगी अभी कैसा लग रहा है विवान लिपस्टिक लगा के, क्योंकि वो लिपस्टिक खेल रहा था। तो ये हो गया, ये होगी मेरी रेडी। और इस बाल का एक ये फायदा है कि जितने कटे हुए बाल है ये पीछे रह जाते, ऐसा लगता है पीछे से देखने वालों को कि बाल छोटे और सामने जो है लंबे होते हैं। तो बस इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत मेकअप करके बस घर में अच्छा लगता है कभी कभी तैयार होना, क्योंकि व्लॉग शूट करते तो थोड़ा सा तैयार होना अच्छा लगता है। और मैं आपको विवान दिखा, भाई साहब को नलाने का क्या फायदा था? क्या ये भाइयों क्या कर रहे हो? हाँ क्या ये लिप टिप, लिप टिप लगा रहे हो? लिप टिप लगा दिया पूरा का पूरा, अभी नला के लाई थी भाई साहब को, लिप टिप लगा दिया भाई साहब ने क्या किया है मेरी तो मॉन्स्टर की तरह दो दांत है बाकी चार दांत तो है नहीं। क्या है ये, नहीं क्या लगाया आपने, क्या है ये, क्या है, क्या ये क्या लिप टिप, क्या है हाँ लिपस्टिक? कर दिया कांड। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो चला है 12:30 से ऊपर का, और फिलहाल अभी तक मैं फ़ोन देख रही थी और कुछ काम तो था नहीं, बट अंदर ही अंदर बैठ के ठंड लगने लगी थी, तो अब सोच रही हूँ खाना भी बना लेती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। वैसे कड़ी तो है बनी हुई रात की, पर मन नहीं कर रहा खाने का, मेरा मन कर रहा है मैं पुलाव खाऊं। तो मैं अभी जा रही हूँ किचन गार्डन में, वहाँ से लाऊंगी मैं मटर और फिर आलू मटर लगा के पुलाव बनाऊंगी। तो चलते हैं, अभी आपको मैं बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कि कैसा हो रहा है। बाहर का मौसम दिखाने से पहले मैं आपको भी बांध दिखाती हूँ जो अपने मस्ती में खेल रहे फिलहाल। तो और सामने जो है वहाँ पे स्नोफॉल हुई है जिस वजह से अब थोड़ी ठंड हो गई है, बट जहाँ जब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगी अच्छे तरीके से देन पूरी अच्छे से सर्दी आ जाएगी। तो ये है, बाकी फ़िलहाल तो अभी दुपट्टा लगा के लोग पियो जा रहे हैं, स्वेटर बहुत रेयर लोग पहन रहे हैं अभी। ठंड तो है बट ऐसे नहीं कि ठंड नहीं है, बाकी मौसम ऐसा है। राजमा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है खेतों में, हमारे पार वाले खेतों में राजमा ख़त्म है, घास कटाई भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बस अब जो है कुछ दिन में हम खेत बीजेंगे जो कि हम चौक अनाज बीजेंगे यहाँ पे इस खेत में और वो सारे खेतों में, तो इस तरीके से रहेगा। बाकी घर का काम भी चला हुआ है, दिखाती हूँ आपको भी घर का काम। तो घर का काम का ये चला हुआ, इधर को पुट्टी हो गई है, अंदर वो लग रहा है पॉलिश हो रहा है, अभी दिखाती हूँ आपको जाके, चलते हैं फिर दिखाती हूँ मैं आपको। चूँकि ये पुट्टी और ये है सिंक का
नीचे वाला पार्ट, बाकी अंदर पॉलिश हो रहा है। बाकी हमने पुट्टी इस बार हमने ऐसे ही करना है, बस वाइट में रखेंगे क्योंकि जब पेंट करेंगे तो प्रॉपर करेंगे पूरे घर पे, जब फाइनल ऊपर टॉप फ्लोर तैयार हो जाएगा उसके बाद ही पेंट करने का सोचा है। बाकी फिलहाल के लिए पुट्टी करेंगे क्योंकि बेस्ट लगता है। और अंदर दिखाती हूँ आपको, यहाँ हुआ है पॉलिश, कंप्लीट पॉलिश खत्म करना है। क्या एक और कोड लास्ट खिड़की कंप्लीट, सारा कंप्लीट लास्ट कोड रहा हुआ है पॉलिश का, बस तो कंप्लीट है। और चला हुआ है पुट्टी, पुट्टी चला हुआ है, चला हुआ है काम पुट्टी का। और उससे पहले मैं निकाल देती हूँ मटर, मटर ढूंढने पर अरे अच्छा गाड़ी खेलो, ओके ओके। तो मटर के नाम पे मुझे सिर्फ इतना सा मटर मिला अब, हाँ तो अब मैं जाऊँगी पुलाव बनाती हूँ और रेसिपी वगैरह मैं कुछ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं है, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है तो ये। बाकी अब चला लेती हूँ गौर, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं गौर, मक्खन बनने के लिए रखती है तो इसको चला देते हैं और अब बनाती हूँ पुलाव और मिलती हूँ आपसे पुलाव बनाने के लिए। झाँकी बन चुका है पुलाव और अब खाते हैं, प्लेट्स निकालती हूँ क्योंकि पुलाव जो है ना ज़्यादातर प्लेट्स में अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए सोच रही हूँ पापा और मैं ही हैं अब खाते हैं और दिखाती हूँ मैं देखती हूँ कि कैसा बनना है। इस वाले कुकर में जो है ना पुलाव बहुत अच्छा बनता है तो मैं इसमें इसीलिए मैंने इसमें बनाया था। तो पुलाव बन चुका बट सारा जो आलू मटर है वो इधर उधर हो गया भाई, तो ये है। अब देखती हूँ इसको थोड़ा सा खिले खिले बनते हैं इसमें इसलिए बनाती हूँ, बाकी इसमें वैसे हम चावल ही चढ़ाते तो अच्छे बनते हैं इसमें चावल, इसलिए बाकी फटाफट खाते हैं। और लस्सी भी बन चुका है, अभी भी मैंने मक्खन निकाला है उधर रखा हुआ है, लस्सी भी बना हुआ है तो फटाफट से खाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। अभी टाइम जो है वो 1:30 बजे का हो रखा है तो पापा भी वेट करें और कुछ नहीं खाते। A few moments later. तो अभी आ चुके हैं मम्मी और मैं लेके जा रही हूँ चाय, मम्मी के लिए, मेरे लिए और पापा के लिए। चलते हैं चाय पीते हैं और इसके बाद मिलते हैं आपसे। इसने तुम्हें प्रेग्नेंट जैसी लग रही हो क्या हो गया? गाड़ी पीछे मोड़ रहा है, पीछे कौन मोड़ रहा है? गाड़ी पीछे मोड़ रहा है कौन? बाजार पे पर जा रहा है गाड़ी, कहाँ दिख रहा छोटा वाला दूध निकाल देंगे, चल हम जाएंगे। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पांटू, आई रेडी लॉस स्टार्टेड टू डू राइट टू राइट लॉस।